दोस्तों आपको बता दें कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान नजर आ रहे हैं। दरअसल दिग्गज एक्टर सतीश वज्र की हत्या कर दी गई है। जी हां दोस्तों, सतीश वज्र का शव उनके घर से ही मिला है। सतीश बेंगलुरु के आरा नगर में रहते थे और अब खबर आ रही है कि किसी शख्स ने उनकी हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं, 3 महीने पहले सतीश की पत्नी ने भी आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिख देना और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना भी करना। दोस्तों आपको बता दें कि सतीश वज्र जिस घर में रहते थे उसके मकान मालिक ने फ्लैट में से खून निकलते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो सतीश की लाश फ्लोर पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने सतीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और उनके भाई की तलाश में जुट गई। सतीश वज्र ने लागोरी फिल्म से डेब्यू किया था। उन्होंने सपोर्टिंग रोल में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। आरआर नगर में वो अपने परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार की है। सतीश जैसे ही घर लौटे तो 2 अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान उनकी हत्या करके सभी आरोपी फरार हो गए। सतीश वज्र ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। इस शादी से ना तो उनके और ना ही पत्नी के परिवार वाले शादी से खुश थे। दोनों परिवार में इस बात को लेकर कहस की स्थिति थी। आशंका जताई जा रही है कि बहन की मौत का बदला लेने के लिए सतीश वज्र के साले ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। दोस्तों ऐसे लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।